हेलो जी, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और शुरुआत में मैंने कुछ कोशिश की थी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग रखूँगी, बट उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई थी। खेल महाकुंभ और ये स्पोर्ट्स चल रहे थे मेरे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो डेली ब्लॉग बनाऊँ। और कुछ तबीयत जुन्नू की ख़राब थी, मेरी भी ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि चलो फिर थोड़ा शुरुआत करते हैं कि कब कहाँ तक कंटिन्यू होता है। और जो भी मेरा ब्लॉग देखता है, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और ये है आज सुबह का टाइम, मैं बना रही हूँ दार्शी के लिए आलू के कटलेट। जो कच्चा आलू होता है उसको कद्दूकस करके थोड़ा सा आटा मिला के और उसके छोटे 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 कटलेट बनाते गोल गोल, तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं दोनों को। और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ तो एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पाता है। ऐसा मेरे पास कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं स्टैंड वगैरह कि मैं फ़ोन को रख दूँ, तो अभी तो फ़िलहाल मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको सभी दिखाऊंगी, बहुत ही खाने में भी टेस्टी बनते हैं, देखने में भी। और तब तक वो बन रहे थे, मैंने लगाया यहाँ पर आटा, क्योंकि मैं अपने लिए लंच लेके जाती हूँ स्कूल में, और दार्शी को सुबह नाश्ता करवा के भेजती हूँ। तो मैंने सोचा तब तक मैं यहाँ आटा लगा लेती हूँ, तो वो बाकी कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर आटा लगाया। और आज भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरे कान में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे कान में। और शायद वो विंटर की वजह से जो ब्लॉकेज होता है कान में बंद हो जाता है, वैसे हो गया था। उसके बाद वो दर्द स्टार्ट हुआ और वो मतलब बढ़ता चला गया। जब मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर घाव बन गया अंदर, वो स्वेलिंग हो गई, इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बस मैं सोच रही थी कि तब तक थोड़ा ठीक नहीं रहता, बट थोड़ा आज हल्का फुल्का आराम है मेडिसिन लेने के बाद। तो मैंने यहाँ आटा लगा दिया है। अब हम लोग सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बहुत साल से आदत है हमारी। मैं रात को भिगोती हूँ सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ मैं जुन्नू को भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बादाम छील छील के रख रही थी, क्योंकि जुन्नू उठ जाएगी तो मैं उसको तैयार करके जब ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी खाने के लिए, उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो बस मैं यहाँ बादाम छील छील के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो फास्ट होता है, क्योंकि हमें अपने अकेले के लिए नहीं करना है। मेरे साथ में बच्चा है, बेटी है, तो उसका मुझे टिफ़िन लगाना है उसको खाने के लिए। तो सुबह का रूटीन जो होता है वो तो फास्ट हो, थोड़ा सा हेक्टिक टाइप का होता है। अभी स्कूल भी जाना है, अपने लिए भी टिफ़िन लगा के लेके जाना है। और वो मेरी आदत बहुत गंदी है, या मतलब सही भी है, क्योंकि मैं रात का बचा हुआ आटे की रोटी कभी नहीं खाती हूँ, ना मैं बनाती हूँ, ना मैं आटा रखती हूँ। और कभी बच भी जाता है तो मैं गाय को दे देती हूँ, बट मैं सुबह उसकी रोटी नहीं बनाती, कभी भी नहीं। मैं बासी रोटी नहीं खाती, मैं अगर मुझे रात शाम को खाना है तो शाम को ही मैं आटा गूँथती हूँ, सुबह खाना है तो मैं सुबह को ही आटा लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि शाम को अपनी सब्जी वब्जी बना के आटा वाटा लगा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती, मैं वैसे करके खाती हूँ, ठीक है। थोड़ा हम लोग कई लोग होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे। मैं जो है वो फ्रेश ही देती हूँ और मैं भी फ्रेश ही खाती हूँ। पर तब तक मैं थोड़ा गीजर में गीजर ऑन किया, थोड़ा जुन्नू को देखा कि उठ गई है कि नहीं। यहाँ मैंने ये जुन्नू का टिफ़िन लगा दिया, अनार है उसमें, थोड़े मखाने हैं, खजूर है, और इसमें जो मैंने बनाए थे वो कटलेट है आलू के जुन्नू के लिए। और यहाँ पर जुन्नू सो रही है, और यहाँ पर वो उठ गई थी, तो मैंने उसको बोला था जुन्नू के, जुन्नू हाँ तुम्हारा एग्ज़ाम है सेकंड टर्म के, वो चल रहे हैं उनके टेस्ट वेस्ट। तो मैंने कहा था कि चलो ठीक है, सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, थोड़ा लिखते मेरा बेटा, क्योंकि सुबह अगर बच्चा जल्दी उठ जाता है तो फ़ोन की जिद करता है, क्योंकि वो बोर होता है, क्योंकि हम उससे बिस्तर से तो उतरने नहीं देते हैं इस वजह से। तो वो अपना काम कर रही है, थोड़ा लिख रही थी वहाँ, और कहना मान जाती है वैसे, साथ साथ ड्राई फ्रूट्स खा रही थी।
तो यहाँ पर ये मैंने सारा अपना सुबह के लिए जो मेरे को करना है झाड़ू पोछा मैंने सब कर दिया है, यहाँ पे साफ सफाई कर दी है, हमारे टिफिन लग गए हैं और यहाँ पर दार्शी खाना खा रही है। सुबह ब्रेकफास्ट मैंने उसको दे दिया था कि आप खाओ, और मैं कब खिलाती हूँ उसको, कई बार अपने हाथ से उसका मन नहीं करता था बट कई बार वो खुद खा लेती है। यहाँ पर मैंने आज वो चने मलम बनाए थे जो ब्लैक वाले होते, और ये मेडिसिन देनी है जुम्मू को, जुम्मू की तबीयत भी ऐसी है। उसके बाद जुम्मू मेरे साथ स्कूल आती है, उसका टाइम 9:30 का है, तब तक वो स्कूल ही रहती है मेरे साथ, उसके बाद स्कूल जाती है। तो उसका कहना है कि बच्चे मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, सब बड़े हैं। तो ये इवनिंग में हम गए थे एक जो हमारे स्कूल के अभिभावक संघ के सदस्य हैं उनकी बेटी की शादी है, बट उनकी बेटी भी हमारे स्कूल में पढ़ी हुई है, दिव्या, दिया नाम है, दिया तिवारी। तो उन्हें हम इन्वाइट किया था, तो हम लोग गए थे सब वहाँ। यहाँ मैंने अर्चना मैम की थोड़ी रील बनाई। बस आज का ब्लॉग यहीं था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।